नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। इटारसी के लोगों को मिली हॉकर्स जॉन चौपाटी की सौगात। खबर समय जगत की मुहिम रंग लाई इटारसी के लिए खुशखबरी। आज विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा द्वारा रेस्ट हाउस के समीप हॉकर्स जॉन का शुभारंभ किया गया। इस जॉन में इटारसी शहर की स्ट्रीट वेंडर अपना रोजगार प्रारंभ कर सकेंगे, अतः इटारसी को अब व्यवस्थित चौपाटी की सौगात मिल चुकी है। विगत एक माह पूर्व से समय जगत की मुहिम चौपाटी को व्यवस्थित और छोटे दुकानदारों को उनके सुनियोजित सुरक्षित व्यवस्था के लिए समाचार प्रसारित करने की मुहिम जारी रखी गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप इटारसी की विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत चौपाटी को पुनः वहीं व्यवस्थित कर दिया है जो पहले सुनियोजित रूप से व्यवस्थित थी। अब इटारसी शहर की जनता को इसका लाभ प्राप्त होगा और जो रोड पर स्थित चौपाटी थी उससे जो लोगों को समस्याएं आ रही थी वह दूर होंगी। विधायक महोदय ने चर्चा करते हुए बताया कि पूर्व में हमने चौपाटी को व्यवस्थित करके सुनियोजित रूप से विकसित किया था, किंतु कांग्रेस के शासनकाल में 4 से 5 कांग्रेस के लोग जिनकी गलत राजनीति करने के कारण चौपाटी बंद हो गई थी और पूर्व के अधिकारी चौपाटी की समस्या को दोषपूर्ण तरीके से सुलझाना ही नहीं चाहते थे। जिन्होंने पूर्व में हमारे द्वारा बनी चौपाटी को तोड़ा था वह सभी लोग जेल में जाएंगे, उनकी CID जांच जारी है। अब हमने चौपाटी को नए हॉकर जोन के रूप में विकसित कर दिया है। इटारसी के लिए एक नई सौगात आई है, हॉकर जोन जो डॉक्टर विधायक हमारे सीता शरण शर्मा जी हैं उन्होंने दी है और उन्होंने बेरोजगार को रोजगार देने के लिए एक नई पहल प्रारंभ करी है। इसके जरिए हमारी जो चौपाटी है जो बहुत समस्याओं से निपट रही थी उसको निजात मिलेगी इस हॉकर जोन के अंतर्गत और उनको नया रोजगार मिलेगा इस हॉकर जोन में सुनियोजित। इटारसी के माननीय विधायक महोदय डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी ने हॉकर जोन का शुभारंभ कर दिया है। इस हॉकर जोन के शुभारंभ होने के बाद अब बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार और साथ ही चौपाटी वालों को मिलेगी उनकी रोड पर दुकान लगाने से जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उनसे निजात और चौपाटी वालों जो दुकानदार हैं छोटे दुकानदार हैं उनको अब हर्ष की स्थिति है। साथ ही अब उनको जो भी परेशानी समस्या आ रही थी वो दूर हो जाएंगी और समय जगत ने ये विगत एक माह से मुहिम चलाई थी कि चौपाटी वालों को न्याय मिले, उनको उनकी दुकानें व्यवस्थित सुनियोजित रूप से मिले, वो आज विधायक महोदय के द्वारा पूरी की गई है। हमारे समय जगत में अमरचंद कहार जी उपस्थित हैं जो हॉकर जोन को चौपाटी में समायोजित करने से क्या फायदे होंगे इसके बारे में बताएंगे। हमको यहाँ रोड के ऊपर में जो दुकान चला रहे थे अब व्यवस्थित जगह मिल गई है अंदर ग्राउंड की, वहाँ पे हमारा धंधा अच्छा चलेगा, हम बहुत अच्छे सुकून में रहेंगे, कोई प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ से हट के हम वहाँ बहुत सुकून में रहेंगे। और हम सरपंच जी का बहुत बहुत आप लोगों को अब ये समस्या लग रहा है कि पूरी तरीके से समाप्त हो गई है? हाँ जी, अभी तो ऐसा लग रहा है सब समय जगत के हिसाब से बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और बहुत अच्छी पहल की गई, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस शहर का एक दुर्भाग्य था कि एक बहुत ही नेगेटिव अधिकारी आ गया था और 4-5 कांग्रेस के लोग जिसमें से 2-3 के खिलाफ FIR हो गई है क्योंकि वो अपराधी प्रवृत्ति के ही थे। एक तो 1 साल का सजा याफ्ता उसमें थे जो कांग्रेस का प्रवक्ता केलू उपाध्याय, अब उनकी CID जांच हो रही है, उनके चरित्र समझ आ रहे हैं। इन लोगों ने उकसा करके और उस नेगेटिव ऑफिसर हरेंद्र नारायण को उकसा करके ये चौपाटी तोड़वा दी, कोई कारण नहीं था। टूटने के बाद में साल भर से यहाँ कचरा पड़ा हुआ था, उसके बाद कोई देखने नहीं आया, ध्वंस ऐसा किया कि फर्श भी उखाड़ दिया, वॉशरूम भी तोड़ दिया, जैसे इस शहर से कोई दुश्मनी हो। मैं नहीं सोचता कि अब कोई ऐसा अधिकारी आएगा और इन लोगों को सबको अधिकारी शायद हरेंद्र नारायण शायद ऐसा है वो एक तो पूरी पुरानी उक्ति है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, तो बिना जीप की हाय से लोहा भस्म हो जाए। तो 3-4 तो वो लोहे तो थे नहीं, भी तो एल्यूमिनियम थे, वो तो भस्म होने की स्थिति में आएगा, CID चल रही कहीं कुछ चल रही, और एक हरेंद्र नारायण जरूर लोहा था ये भी भस्म होगा और ये सब अब जेल में मिलेंगे। जिन जिन ने इस चौपाटी को तोड़ा था वो सब जेल में जाएंगे। रही बात इसके लीगलाइजेशन, तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार
जो मेरी जानकारी में है, ये जो रेस्ट हाउस है उसमें खाली जगह पड़ी है, इनके लिए कोई योजना एक लेकर के आए। यद्यपि हमने तो पहले ही मानी सरताज सिंह जी जब पीडब्ल्यूडी बनी थे तब ये योजना बनाई थी कि यहाँ चारों ओर दुकान बना करके उसको ठीक किया जाए और रेस्ट हाउस नीचे बना करके उसको भी व्यवस्थित तरीके से बनाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से हम बात। कैमरा पर्सन भरत गायकवाड़ जी के साथ मैं डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा, खबर समय जगत के लिए इटारसी से, समय जगत के लिए डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।